हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पीपल एनवायरनमेंट में नए टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो रीसेंट एग्जाम्स में ऐड हुए हैं। तो जैसा आपको पता है कि हमारा पूरा कोर्स जो है ऑलरेडी बना हुआ है यूट्यूब पे, और हर एक सेक्शन के जो है प्लेलिस्ट बने हुए हैं सिस्टमेटिक, जहाँ पे ये पीपल एंड एनवायरनमेंट का प्लेलिस्ट है, जिसको जरूर से देखें अगर आपने नहीं देखा है। इसमें आज हम एक नया टॉपिक ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है VOC, जिसका फुल फॉर्म है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर POP जिसका की फुल फॉर्म है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और ये कुछ नई चीजें इसके अंदर जो आई हैं लेटेस्ट हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, उसे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो प्लेलिस्ट है ये हमेशा अपडेट होता रहता है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से देख लें। और पीपल एनवायरमेंट के अलावा भी जितने भी अलग अलग सेक्शन हैं, उन सबके प्लेलिस्ट आप फ्री में अपना पेपर वन अच्छा कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे इन लेक्चर्स को देख करके, जो कि हमेशा अपडेट होते रहते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो वो भी मैंने बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। दिन में दो बार आप, क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो बहुत जरूरी है जितनी ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा पेड सर्विसेज की बात करें तो दो सर्विसेज हमारी ऐप पे अवेलेबल है जो कि पेड है। अगर आप एक स्टेप ऊपर जाके एडवांस तैयारी करना चाहते हैं तो फुल कोर्स जरूर से ले लें, जिसमें साथ में आपको लेक्चर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस डाउट सॉल्विंग की सुविधा भी मिलेगी। और इसके अलावा अलग अलग सेक्शन के अपने मन मर्जी से 10-15 क्वेश्चंस के सेट्स लगाना चाहते हैं, या हर ईयर के हर शिफ्ट के पेपर आप अलग अलग सॉल्व करना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा। दोनों में काफी सारे क्वेश्चंस और लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, तो एटलीस्ट आप उनको जाकर के एज अ डेमो जरूर से देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वीडियो के एंड में इसके बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं कि VOC क्या है और POP क्या है। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं VOCs की एंड POPs की, क्या होते हैं आइए इस वीडियो में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं VOC क्या होता है। VOC का फुल फॉर्म है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड का मतलब एक सब्सटेंस, एक केमिकल, और वॉलेटाइल का मतलब है कुछ देर के लिए टेम्परेरली रहने वाला। तो हम ICT में भी पढ़ते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, जो टर्न ऑफ करने पे डिलीट हो जाती है, तो वैसे ही वॉलेटाइल मतलब कि कुछ देर रहने वाला, वाष्पशील जिसको बोल सकते हो, उड़ जाने वाला जल्दी, और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। तो कुछ कार्बनिक चीज़ें यानी कि जो खाने की या जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, कार्बनिक चीज़ें होती हैं, उनसे जो सब्सटेंस बने हैं और कुछ ही देर में उड़ के खत्म हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं देख लेते हैं। दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल गैसेस, गैस के फॉर्म में ये होते हैं, और जैसे मैंने बोला शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ देर के लिए एनवायरमेंट में रह सकते हैं लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, फिर वो उड़ जाते हैं, चले जाते हैं या जमीन पर बैठ जाते हैं। तो गैसेस होती हैं एमिटेड इनटू द एयर, या फिर ये हवा में पाई जाती हैं या पानी में भी पाई जाती हैं, फ्रॉम द प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। कई सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फैक्ट्री से निकले हुए, प्राकृतिक कारण भी इसके होते हैं, तो कई स्रोतों से ये मिलते हैं। सम आर हार्मफुल बाय देमसेल्फ इंक्लूडिंग सम दैट कॉज कैंसर। इनमें से काफ़ी प्राकृतिक हैं, उनका कोई हार्म नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो हार्मफुल हैं, और काफ़ी सारे इतने भी हार्मफुल हैं कि वो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो कहां कहां से आते हैं ये VOCs, कितने कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का एयर पोल्यूटेंट है, हमने इसको काफी जगह देखा है, एयर पोल्यूशन वाले चैप्टर में देखा है, इसके अलावा स्मॉग में भी हमने इसको VOC को देखा। तो कहां से आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले इनडोर सोर्सेस, तो हमने लास्ट लेक्चर देखा है इनडोर एयर पोल्यूशन का, और इनडोर एयर पोल्यूशन के अंदर अभी जो घर में हम जो सामान खोलते हैं, सामान बनाते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कई ऐसे केमिकल्स होते हैं, जब दीवारों पे पुताई होती है, कारपेंटरी का काम होता है, तो जब वो प्रोडक्ट्स खुलते हैं तो उनमें बड़ी तीखी स्मेल होती है, और वो भी एक तरीके से VOCs होते हैं जो घर में ट्रैप हो जाता है। तो इनडोर सोर्सेस में काफ़ी सारे VOCs हो सकते हैं, कुछ एलर्जेंट्स हो सकते हैं। एलर्जन मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्चुअली हमारे लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उन्हें हमारे अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि वो चीज़ें कहीं हमारे लिए खतरनाक तो नहीं है, तो उससे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ये कुछ एलर्जेंस भी आपके बॉडी में एलर्जी भी
दे सकते हैं। जैसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जो हम लोग घर में मॉस्किटो को हटाने के लिए चीज़ें जलाते हैं, तो बहुत लोग को उसके अंदर जाने से खांसी आने लगती है, वो एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। या फिर बहुत टाइम ऐसा होता है कि बेड वगैरह पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर बहुत टाइम से क्लीन ना किया हो तो बहुत लोग को इचिंग होने लगती है बॉडी में। तो ये सब क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए और उन्हें अंदर एंटर करने से रोकता है। बहुत लोगों को दांत खाज खुजली हो जाती है, तो दांत खाज खुजली हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया है उसकी वजह से हो, कभी कभी एलर्जी से भी होता है कि बॉडी खुद से जो होता है वो सब्सटेंसेस को आने से रोकता है और उसके रिएक्शन में बॉडी पे इचिंग होने लगती है। तो ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं आपकी बॉडी में, है ना, और जनरली हार्मलेस होते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन भैया जिनको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये हार्मफुल। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है इंडोर एयर पोल्यूशन में, जो कि है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, पेपर और प्लाईवुड बनाने में यूज होता है, और ये कैंसरकारी है, कार्सिनोजेनिक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीओसी है। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर में भी वीओसी पाया जाता है, कई सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कुछ केमिकल्स हो गए, पेंट रिमूव करने वाला जो थिनर वगैरह हो गया, क्लीनिंग सफाई करने वाले कुछ एजेंट्स हो गए, तो वो भी पानी में मिल जाते हैं, और अंडरग्राउंड चले गए तो अंडरग्राउंड का पानी भी खराब हो सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से पेड़ों से भी मिलते हैं, जैसे तारपीन और आइसोप्रीन। तो तारपीन का तेल आपने नाम सुना होगा, जो कि ब्रश से पेंट छुड़ाने में यूज होता है, तो एक पेड़ से वो प्राप्त होता है, प्राकृतिक सोर्स से वो प्राप्त होता है, और ये भी एक प्रकार का वीओसी कहलाता है। ओके, तो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो प्लांट से हमको मिलते हैं, ये तारपीन आइसोप्रीन वगैरह, ये भी वीओसी में आते हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स, जो कि फ्यूल्स हम जलाते हैं, पेट्रोल कोयला, उसमें से भी कई सारे वीओसीज निकलते हैं। इनमें प्रमुख हैं बेंजीन, टाउलीन वगैरह। अब ये क्या होते हैं, लाइट येलो टाइप के होते हैं और कलरलेस होते हैं, एक लिक्विड टाइप का है एंड सो ऑन, इसी प्रकार के होते हैं। तो ये जो है बेंजीन हमारा, ये भी कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसरकारी होता है। तो जब धुआं निकलता है, कम्बशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें से बेंजीन भी निकल के आता है। तो ये सब याद कर लेना, आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो इसी के बेसिस पे हैं। अब एक और टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, जो थोड़ा उल्टा मीनिंग रखता है वीओसीज का। तो वीओसीज का हमने देखा फुल फॉर्म था वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका नाम है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हो। वहां पे वो वॉलेटाइल थे, क्षणभंगुर थे, कुछ ही देर में वाष्पशील हो जाते थे, है ना, अनस्टेबल थे, लेकिन ये परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब स्थायी, परमानेंटली रहते हैं। तो क्या है ये पीओपीज? पीओपीज जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, और ये हवा के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, पानी के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लोगों को अफेक्ट करते हैं, जंगल का जो जनजीवन है, वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करते हैं, और बहुत दूर तक जाने की ये कैपेबिलिटी रखते हैं। जनरली ये फूड को भी टॉक्सिक बना देते हैं, किसी खाने के सामान में इकट्ठा होते हैं, मान लो मछली में ये बायो एक्यूमिलेट हो रहे हैं, है ना, किसी खाने के सामान में ये एक्यूमिलेट होते जा रहे हैं, और मान लो कि फूड वेब जो है हमारा, कि जैसे मान लीजिए चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को फिर कोई खाता है एंड सो ऑन, तो उस फूड वेब में भी ये आ जाता है, और उससे भी जो हमारी पूरी साइकिल है फूड की, उसे खराब कर सकता है। तो कहाँ कहाँ से आता है देख लेते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं पीओपीज के। एग्रो इंडस्ट्रियल केमिकल्स, यानी कि एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में जो केमिकल्स यूज होते हैं, सॉलिड वेस्ट जो कूड़ा कचड़ा निकलता है, या फ्लेम रिटार्डेंट्स, फ्लेम्स अग्निशामक, अग्निरोधी जो सामान होता है, इसके अलावा डीओज वगैरह में हो सकता है, और जो भी नॉन स्टिक वाटर प्रूफ सामान बनाने में जो केमिकल्स यूज होते हैं, स्टेन रेजिस्टेंट, स्टेन हटाने, मतलब कोई वाटर प्रूफिंग करने के कामों में जो सब्सटेंस यूज होते हैं वो पीओपी का काम कर सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डायोक्सिन्स, बहुत फेमस पीओपीज हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स, तो बेंजीन हमने देखा ऊपर, ये अलग टाइप का पॉलीक्लोरिनेटेड है, तो पॉली जहाँ जुड़ा होता है वहाँ पॉलीथीन से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। पीसीबीज जिसको कहते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग होती है वायर्स के ऊपर, वाटर प्रूफिंग एंड सो ऑन, है ना, तो उसमें ये केमिकल यूज होता है।
ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, कुछ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, एंड फ्यूरेंस। तो फ्यूरेंस, डायऑक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चंस में आपको बार बार दिखेगा। और इसके अलावा ये सारे की सारी चीज़ें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में आती हैं। छोटा सा चैप्टर है, टू द पॉइंट में पढ़ाता हूँ, ज़्यादा बढ़ाता नहीं हूँ। इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का जो नीचे ऑप्शन है उसे क्लिक करके जरूर से लगा लें, और कुछ नहीं आता है तो आज बटन दबा करके जरूर से पूछ लें। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और लेक्चर्स पे लेक्चर्स यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपनी पढ़ाई को और अच्छा करना है और एडवांस टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बनानी है तो फुल कोर्स को एक बार ज़रूर से देखें। इसमें 20 से ज़्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो आप उन डेमो लेक्चर्स का फ़ायदा तो एटलीस्ट ज़रूर से उठा लें। और इसके अलावा हर लेक्चर के साथ आपको प्रीवियसर क्वेश्चन भी उस केवल और केवल उस लेक्चर से जुड़े हुए अलग अलग लगाने को मिलते हैं। डेढ़ डेढ़ घंटे के लंबे वीडियो ना होकर के 15-15 मिनट के छोटे वीडियोस हैं, जिससे कम से कम समय में बिना दिमाग को थकाए आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और प्रीवियसर क्वेश्चंस भी वहीं पे आपको मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे 24/7 ईमेल से डाउट पूछने की भी सुविधा है, तो कभी भी रात को 2-3 बजे भी कोई दिमाग में डाउट आता है तो आप ईमेल कर दें, कुछ घंटों के बाद आपका डाउट का जो सोल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है, 20 फ्री लेक्चर्स का फायदा जरूर से उठाएं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं और केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर से लगाएं, और इसमें आपको ईयर वाइज भी क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं ऑनलाइन फॉर्म में लगाने के लिए, और प्लस सेक्शन वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग, रिसर्च अलग, कम्युनिकेशन अलग। तो इसमें भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन फ्री हैं, तो इन डेमो का भी जरूर से फायदा उठाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डेमो के दिए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से चैट करें, आपको सारे लिंक और जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।